वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ मीनाक्षर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू चूज राइट कुर्ती अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अलमारी खोलो, कपड़े बहुत सारे पड़े होते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार पहनने के लिए कुछ यूनिक सा नहीं है। मैं ऐसे सिचुएशन में बहुत बार आती हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। एंड जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं लास्ट में हमेशा एक कुर्ती पिक कर लेती हूँ और वो पहन लेती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुर्ती बहुत यूनिवर्सल होती है और आप उसे किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हो। उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी जो कुर्ती है वो बहुत महंगी होनी चाहिए या फिर बहुत एंटीक होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो यही है कि आपने जो भी कुर्ती पहनी है ना, वो आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपने बॉडी शेप को ध्यान में रखते हुए कुर्ती पहनी है ना, तो ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जो भी आपने चाहे बेशक नॉर्मल बजट की भी कुर्ती पहनी हो ना, वो भी आप बहुत अच्छी लगेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका बॉडी टाइप क्या है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी बॉडी टाइप का भी पता लग जाएगा। ऑल्सो बॉडी टाइप के हिसाब से आपको किस टाइप की कुर्तीज या फिर किस टाइप के आउटफिट पहनने हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट बॉडी टाइप है एप्पल शेप बॉडी। अगर आपके शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हैं, बस्ट एरिया हैवी है एंड जो टमी है वो भी हैवी है, एंड आपका जो लोअर पोर्शन है यानी कि आपके लेग्स एंड हिप एरिया जो है वो पतले हैं, तो आपका बॉडी टाइप है एप्पल शेप बॉडी। और एप्पल शेप बॉडी पे डार्क शेड्स की जितनी भी कुर्तीज होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। ऑल्सो ए लाइन की जो कुर्तीज़ होती है एंड ऐसी कुर्तीज़ जिनका जो नेक होता है वो वी शेप में होता है, ऐसी कुर्तीज़ एप्पल शेप बॉडी पे बहुत अच्छी लगती है। जैसे ये एक ए लाइन कुर्ती है, ये मैंने mira.com से खरीदी थी, एंड mira.com एक इंडियन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की कुर्तीज़ काफ़ी अच्छे बजट में मिल जाती है। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई हैवी आउटफिट खरीदना है किसी बड़े फंक्शन के लिए, जैसे कि ब्राइडल वेयर हो गया, तो इस टाइप के आउटफिट भी आपको mira.com पे बहुत अच्छी क्वालिटी में एंड बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हो। तो ये जैसे ए लाइन कुर्ती है और एप्पल शेप बॉडी पे इस टाइप की ए लाइन कुर्तीज काफ़ी अच्छी लगती है। नाउ नेक्स्ट बॉडी टाइप है पियर शेप्ड बॉडी। अगर आपका अपर पार्ट है वो थोड़ा सा नैरो है एंड लोअर पार्ट जो है वो हैवी है, यानी कि आपके शोल्डर्स नैरो हैं एंड आपकी थाइज हैवी है एंड आपके हिप्स भी हैवी है, तो आपकी जो बॉडी है वो पियर शेप्ड बॉडी है। अगर आपका बॉडी पियर शेप्ड बॉडी है तो आपको लाइट कलर के टॉप्स को डार्क कलर के बॉटम्स के साथ पेयर करना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ कुर्तीज़ की, तो आपको कॉलर स्टाइल वाली जो कुर्ती है होती है, कॉलर नेक वाली कुर्ती एंड स्क्वेयर नेक कुर्ती एंड बॉट नेक कुर्ती, ये वाली कुर्तीज़ आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ऑल्सो जो फ्लेयर्ड कुर्तीज़ होती है वो पियर शेप बॉडी पे काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट है बनाना शेप बॉडी। अगर आपकी शोल्डर लाइन स्ट्रेट है एंड स्ट्रेट हिप्स हैं, थोड़ा सा डिफाइंड आपकी वेस्ट है एंड एवरेज स्टमक है, तो आपकी जो बॉडी है वो बनाना शेप बॉडी है। ऐसे बॉडी टाइप पे डीप एंड ब्रॉड नेक की कुर्तीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। ऑल्सो आप कुर्ती के साथ बेल्ट ट्राई कर सकते हो या फिर जो प्लेटेड या फिर पैनल डिटेल वाली कुर्तीज़ जो होती है वो भी आपकी बॉडी टाइप पे बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट बॉडी टाइप है आर ग्लास शेप बॉडी। इस बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई किया जाता है ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड हिप्स एंड नैरो वेस्ट से, और ऐसा माना जाता है कि ये वाली जो बॉडी टाइप होती है इस पे ऑलमोस्ट हर टाइप की कुर्तीज़ अच्छे से सूट कर जाती है। अगर आपका बॉडी टाइप आर ग्लास शेप बॉडी है एंड आपकी हाइट जो है वो थोड़ा कम है, तो आप स्ट्रेट कट वाली कुर्ती को प्लाजो के साथ ट्राई कर सकते हो, तो उसमें आपकी जो हाइट है वो भी अच्छी लगेगी। सो इस टाइप की कुर्तीज़ आर ग्लास शेप विद कम हाइट जिनकी है, उस टाइप की गर्ल्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट बॉडी टाइप इज़ इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप। अगर आपके जो शोल्डर्स है वो वेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रॉड है, तो आपका बॉडी टाइप इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप है। और इस टाइप के बॉडी पे जो डीप नेक लाइंस वाली कुर्तीज़ होती है और जो थोड़ा लंबी कुर्तीज़ होती है ना, वो वाली काफ़ी अच्छी लगती है इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप पे। नेक्स्ट बॉडी टाइप इज़ पिटेट फ्रेम्ड बॉडी। अगर आपकी हाइट भी कम है एंड आपका जो बॉडी का ओवरऑल वॉल्यूम है वो भी काफ़ी नैरो है, तो आप इस बॉडी फ्रेम में आते हो। और इस टाइप की जो बॉडी होती है इस पर फ्लो वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे कपड़े जो आपकी बॉडी को वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कपड़े परफेक्ट होते हैं पिटेट फ्रेम्ड बॉडी के लिए। हॉल्टर नेक के कपड़े या फिर जो ऑफ शोल्डर कपड़े होते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं। ऑल्सो आप जो बड़े प्रिंट्स वाले कपड़े होते हैं एंड लेयरिंग को ऐड करके भी आप अपनी बॉडी को अच्छा खासा वॉल्यूम दे सकते हो। लास्ट में आता है फुलर फिगर्ड बॉडी। इस बॉडी टाइप को काफ़ी कर्वी बॉडी माना जाता है। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, वो इस वाली बॉडी टाइप के लिए बेस्ट है, क्योंकि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो स्लिमिंग इफेक्ट देते हैं आपके ओवरऑल बॉडी को। ऑल्सो आप जो स्ट्रेट कट कुर्तीज़ होती है या फिर काफ्तान है, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है फुलर बॉडी टाइप के लिए। ऑल्सो आपको इस टाइप के कपड़े पहनने से भी बचना है जो बहुत ज़्यादा टाइट हो या फिर बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो। आपको इस तरीके से अपने कपड़ों की फिटिंग रखनी है जिससे आपके जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो, या फिर ऐसे भी कपड़े नहीं पहने जिससे आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट लगे, यही ना पता लगे कि क्या चीज़ कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। सो इस तरीके से आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट
टाइप ऑफ क्लॉथ चूज कर सकते हो। सो गर्ल्स, एक चीज़ तो आपने देख ली है कि बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कुर्ती पिक करना थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो सकता है, लेकिन मीरा.com पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे बहुत ही वैरायटी ऑफ कुर्तीज मिल जाती है, चाहे वो कॉलर नेक वाली कुर्ती हो, वी शेप वाली कुर्ती हो, या फिर स्क्वायर नेक वाली कुर्ती हो, या फ्लोई कुर्ती हो, स्ट्रेट कट कुर्ती हो। इस टाइप की कुर्तीज मीरा.com पे काफ़ी ईजिली चीप रेट्स पे एंड अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाती है। सो आप अगर चाहो तो घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हो मीरा.com से, एंड अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस मीरा.com पे रहा। सो गर्ल्स, ये आज का वीडियो था ऑल अबाउट बॉडी टाइप एंड किस बॉडी टाइप पे कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे। आई होप आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, एंड मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।